हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले एसएससी जेई 2018-19 के जो बुक्स हैं, जो है आपका जीके पब्लिकेशन की, उसकी हम रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, एंड जनरल अवेयरनेस इसमें दिए हुए हैं। अब ये नहीं है कि एसएससी जेई के केवल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये एसएससी जेई प्रिपरेशन सीरीज है, ठीक है, जिसमें आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जूनियर इंजीनियर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं CPWD हो गया, CWC हो गया, उसके बाद MES हो गया, ठीक है, जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम SSC जो है कंडक्ट कराते हैं, उस सारे के सारे एग्जाम के इसमें क्वेश्चंस पेपर भी दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक को रिव्यू, ठीक है। तो बने रहिए कैसे एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इस बुक को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जूनियर इंजीनियर के लिए ये बनाई गई है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस की पेपर्स जो है 16 पेपर 2017-18 भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इस बुक में खासियत क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इस बुक की खासियत। तो सबसे पहले हम कंटेंट पे आते हैं बुक के। तो कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुक की, कंटेंट कि कंटेंट में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले कंटेंट की बातें करें, तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंटेंट में आपको जो है सीरीज कंप्लीशन दिया हुआ है जेंडर इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। सबसे पहले जो है हम कंटेंट देख रहे हैं, तो इसमें देखिए कि आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, SSC से रिलेटेड। तो कंटेंट में सबसे पहला चीज़ है सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि इसमें जो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, चैप्टर, वो सारे के सारे दिए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लें, ब्लड रिलेशन की बात कर लें आप, उसके बाद डायरेक्शन की बात कर लें, डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जैसे लॉजिकल वेन डायग्राम होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे दिए हुए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद हम बात करें तो आपका जो कंटेंट में है वो है नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, टाइम जो टेस्ट है उसका, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो है, उसके बाद क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन है, विजुअल रीजनिंग है, उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेजेस भी है, मैट्रिक्स की बात करते हैं, उसके बाद सिलोलिज्म है, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन्स है, उसके बाद आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद वर्ल्ड के बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें। तो आप मिला सकते हैं, कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप कंटेंट देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ कवर इस बुक में किया गया है। तो उसके बाद हम बात करें तो लिटरेचर जो है इसमें कवर किया गया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट अफेयर्स, सारे के सारे इसमें जो है सॉल्व किए गए हैं। उसके बाद जो करेंट एग्जाम जो 2017 और 2018 में जो पेपर हुए थे SSC JEE के, उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम पैटर्न जो है, पेपर वन ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, कितने मार्क्स के, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। मेंस एग्जाम की बात करें कन्वेंशनल पेपर के, तो यह है जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, 2 आवर्स का, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम पैटर्न आपको दिए हुए हैं। चलिए अब बुक को ओपन करके देखते हैं। इसके हमने देखा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो बुक को जब हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर जब आता है आपका सीरीज कंप्लीशन, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या किया है इस बुक में, कि सबसे पहले आपको क्या किया है कि समझाया हुआ है थ्योरी, सबसे पहले आपको रिलेटेड थ्योरी जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है इस बुक में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको कंटेंट को काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया है, ठीक है। इसके बाद जब कंटेंट आपको समझा दिया अच्छे से, कंसेप्ट को आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे छोटे तरीके से समझाया, काफ़ी डिटेल में, ठीक है, तो आप इसको अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर ये बुक आप लेना चाह रहे हैं तो इसे एक बार रिव्यू को ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा का सारा जब कंसेप्ट आपको समझा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज दिया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज में जैसे जो सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको SSC एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक हैं ये, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ऐसा नहीं कि SSC JEE का ही, बाकी सारे SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके क्वेश्चन कवर किए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद जब ये हो जाता है, फिर आपको क्या दिया जाता है, आंसर्स दिए जाते हैं, आंसर आपको दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन आंसर के दे दिए गए हैं। इसके बाद जो है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया गया है डिटेल में, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये सारा का सारा समझाया हुआ है इसमें। उसके बाद एक्सरसाइज 2 शुरू हो गया है, ठीक है, एक्सरसाइज 2 में क्या दिया, क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस SSC CPWD एग्जाम्स। तो इसी तरह से जितने भी SSC के एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छे से दे दिया गया है। फिर दूसरा चैप्टर आपका एनालॉजी स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह सारे इसमें दिए हुए हैं। तो आपको शुरू में हमने कंटेंट बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हो शुरू में वीडियो को
कि कौन कौन सा कंटेंट इसमें है, तो सारे चैप्टर में इसी तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस की अगर हम बातें करें तो जनरल अवेयरनेस में भी सेम टू सेम वही दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि चैप्टर वन की अगर मैं बात करूँ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है आपका इन्वेंशन और कौन से ईयर में वो इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, वो सारे के सारे दिया है। फिर इन्वेंटर और कंट्री इसके सामने ये भी दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके बाद हम बात करें जितने भी जो है एलिमेंट्स फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ पे दे दिए हुए हैं। तो एक बेहतरीन बुक है, आप इसको जैसे फिर उसके बाद क्या है एक्सरसाइज दे दिया है समझाने के बाद, ठीक है, कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर एक्सरसाइज टू दिया है, एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं इसके सारे के सारे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशंस भी इससे रिलेटेड दिए हुए हैं इसमें। उसके बाद हम बात करें कोई भी आप उठा लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो ये क्या है वर्ल्ड के बारे में सारी चीज़ें दी हुई, स्टेट एरिया उसकी कितनी है, तो वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन आए हैं एसएससी एग्जाम में या बन सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह से आपको जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड लिटरेचर से रिलेटेड जैसे बुक्स हैं उसके ऑथर के नाम है तो उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स आपको जितने भी फैक्ट्स हैं सबके सब दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज आंसर दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसी तरह आपको सारे जो है इंडियन पॉलिटी जो भी है सारे चैप्टर वाइज आपको इसमें दिए हुए हैं। तो आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी क्वेश्चन सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में पहले क्या किया है सारे के सारे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ मेरे सामने खुल गया तो केमिस्ट्री मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखो केमिस्ट्री में क्या है कि सारी थ्योरिटिकल चीज़ें दी हुई हैं, सारी थ्योरी अच्छे से समझाई हुई है इन्होंने, डिफिनेशन से लेकर छोटे छोटे कंसेप्ट सारे के सारे आपको बता दिए हैं इसने। देख सकते हो आप जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल कंसेप्ट के बारे में सारी चीज़ें, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, रिलेटिव डेंसिटी, एवोगाड्रो नंबर, जो है जितने भी चीज़ें हैं सारे के सारे आपको दे दिए हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद आपको क्या किया है इसने, उसके बाद आपको सेम टू सेम एक्सरसाइज दिया है, आंसर दिया है इसके, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे नॉन टेक के, ठीक है। बायोलॉजी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि बायोलॉजी का भी इसी तरह से कवर किए हुए हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बुक है अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बेहतरीन बुक है, आप ले सकते हैं मार्केट से। और इस बुक की खास बात यह है कि इसकी प्राइस भी थोड़ी कम ही होती है, तो इसकी प्राइस जैसे कि 425 यहाँ पर लिखी गई है और इस हिसाब से इस रेट में आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी आपको। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी इस पे मिल जाता है और इस रेट में जो है काफ़ी अच्छी बुक है जीके पब्लिकेशन की। तो एक बेहतरीन बुक का कलेक्शन उन्होंने निकाला है जीके पब्लिकेशन वालों ने, तो आप इस बुक को ज़रूर अपने पास रखें और इसको ज़रूर एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इसे ज़रूर पढ़ के जाएं। तो इसी तरह और भी नए नए वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहें कैस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, थैंक्स।